नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। श्री गणेश उत्सव कब शुरू हो रहा है और कब समाप्ति होगी? और गणेश उत्सव जब होता है तो अपने घरों में आप गणपति को स्थापित करते हैं, विराजित करते हैं, गणपति बिठाए जाते हैं, तो ये 10 दिन का महोत्सव कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा? और आपने मेरे यूट्यूब चैनल की 10 दिन सारी वीडियोस को जरूर देखना। इनफैक्ट पहले ही हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही खास वीडियोस इस बार रहने वाली है। आप उन सारी वीडियोस को स्वयं भी देखिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। 19 सितंबर को शुरू हो रहा है गणेश उत्सव, जो कि महाराष्ट्र में तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अब तो वर्ल्ड वाइड इसे मनाया जाता है। यह उत्सव विलक्षण उत्सव होता है। भगवान श्री गणेश की आराधना प्रथम पूजनीय देवता जब मान जाते हैं तो सारे देवता आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो भगवान श्री गणेश का ये जो जन्म उत्सव, ये जो 10 दिन का महोत्सव होगा, श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के बाद ही भगवान श्री गणेश का 10 दिन का महोत्सव शुरू हो जाता है और 19 सितंबर से ये महोत्सव शुरू होगा और 28 सितंबर को ये महोत्सव समापन की ओर होगा। गणपति आ रहे हैं, बप्पा आ रहे हैं, तो कैसे करेंगे आप स्वागत, कैसे करेंगे आप तैयारियां? सबसे पहले गणपति को अगर आप अपने घरों में विराजित करने वाले हैं, स्थापित करने वाले हैं, बिठाने वाले हैं, तो अपने घर की साफ सफाई के ऊपर खास करके ध्यान दीजिए। साफ सफाई सिर्फ झाड़ू पोछा करने से साफ सफाई नहीं होती है, शुद्धता की साफ सफाई। शुद्धता कौन सी? आपके मन के अंदर की भी शुद्धता और बाहरी शुद्धता भी, यानी शुभता भी चाहिए। शुभ मुख आ रहे हैं तो शुभता तो चाहिए चाहिए, और शुभता आपने अपने घर के अंदर भी पैदा करनी है और शुभ मुख आकर के उस शुभता में चार चांद लगाएंगे। लेकिन शुद्धता की यहाँ बात आती है तो शुद्ध रहना, यानी घर का हर सदस्य 10 दिन तक स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो भगवान गणेश को मना रहे हैं, जिन्होंने स्थापित किया है, जिन्होंने पूजा अर्चना कर रहे हैं, बस वही स्नान कर रहे हैं और बाकी सारे घर के सदस्य स्नान समय पर नहीं कर रहे। जरूर कीजिएगा। शुद्धता और शुभता, ये दोनों चीजें अगर आपके घर में रहती हैं तो भगवान श्री गणेश बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के अंदर खुशियां लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने घर को साफ सुथरा रखना है, स्वयं को साफ सुथरा रखना है, खुद आपने स्नान जरूर करना है, हर दिन स्नान करना है और घर के हर सदस्य ने ये स्नान करना है। ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि सिर्फ जिसने स्थापित किया है बस वही स्नान कराने, लेकिन घर का हर सदस्य शुद्ध और शुभ रहना चाहिए। मतभेद किसी के साथ नहीं करने हैं, वैचारिक मतभेद बिल्कुल नहीं होने चाहिए और किसी भी तरीके का कोई क्लटर अपने दिलो दिमाग पर नहीं रखना है। नो नेगेटिविटी, एकदम अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, भगवान की भक्ति में लीन होना है। ये 10 दिन का महोत्सव अनंत चतुर्दशी के साथ समाप्ति होगी इसकी और ये पहला दिन होगा 19 सितंबर का, जब गणेश उत्सव शुरू होगा और 28 सितंबर 10वां दिन होगा अनंत चतुर्दशी के साथ समापन हो जाएगा गणेश उत्सव का। जो लोग 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अपने घरों में स्थापित कर रहे हैं, भगवान श्री गणेश को विराजित कर रहे हैं, बिठा रहे हैं, पूरी सावधानी रखिएगा, हर तरीके से पूजा भक्ति में लीन हो जाएगा, शुभता रखिएगा, अपने शुद्धता रखिएगा और साथ के साथ किसी भी तरीके का मल मैल आपने अपने दिलो दिमाग पर नहीं रखना है। बड़ों का आदर करना है, छोटों को प्यार करना है, भगवान गणपति की आराधना करनी है और पूरी साफ सफाई, तामसिक चीजों से आपने दूर रहना है, मांसाहार से दूर रहना है और किसी भी तरीके का आपने अपने घर के अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना है। प्याज लहसुन आपने बहुत पहले से ही अपने घर से साफ सफाई कर देनी है उसकी और तब आपने भगवान श्री गणेश की आराधना की। जब आप अपने घर में स्थापित करते हैं, ध्यान रखिएगा अपने घर को अकेला नहीं छोड़ना है। जब आप गणेश जी का अपने घर में स्थापन कर रहे हैं तो घर को खाली नहीं रखना है, अकेला नहीं रखना है, तो कोई एक व्यक्ति हमेशा आपके घर में रहना चाहिए जब तक
गणपति आपके घर में सदा बीत रहेंगे। तो 10 दिन का महोत्सव आने वाला है गणेश जी का। किस विधि विधान से आपने गणेश जी की पूजा करनी है, एक दिन के लिए अगर गणपति बिठा रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना है, 3 दिन के लिए बिठा रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सारी वीडियोस हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। लेकिन आपने मेरी ये वीडियो को सब लोगों तक जरूर शेयर करना है ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो को हर कोई देख सके। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगी एक अच्छी वीडियो के साथ, क्योंकि मैं ये वीडियो भी आपके लिए न्यूयॉर्क से ही बना रही हूँ, न्यूयॉर्क सिटी में ही हूँ इस समय, और मैं आपके लिए ये वीडियो बना करके भेज रही हूँ। हम चाहते हैं कि आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो और किसी भी तरीके का कोई उत्सव आपका मिस ना हो, तो इसलिए आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाना। ओम नमः शिवाय, ओम गंग गणपते नमः, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, नमस्कार।